नमस्ते, मेरा नाम विक्रांत सिंह है और आज हमारे साथ संदीप पांडे जी हैं। बहुत ही खास प्रोग्राम। सर, पिछले 9 मार्च को एक बहुत खास घटना घटी जिसमें ये शायद मेरे इतिहास में पहली बार सुनने को मिला कि भारत की ओर से एक मिसाइल लॉन्च हो गई और वो पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च हो गई। हालांकि उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं था, लेकिन ऐसी गलती भारत की तरफ से कैसे हो सकती है कि आप एक देश से दूसरे देश के ऊपर मिसाइल ही लॉन्च कर दें? तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए विक्रांत, मैं तो परमाणु निशस्त्रीकरण अभियान से जुड़ा रहा हूँ जी, और हमने परमाणु परीक्षण जब दूसरी बार भारत ने किया 1998 में, तो उसके बाद 1999 में एक 88 दिनों की 1500 किलोमीटर की पदयात्रा पोखरण से सारनाथ तक की थी कि विश्व से ये हथियार खत्म होने चाहिए जी, वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण के अभियान से। और 17,000 हस्ताक्षर हमने इकट्ठा किए थे जो उन सब देशों को, उनके दूतावासों को दिया था जिनके पास परमाणु हथियार हैं। तो ये मिसाइल जो है ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ये आपका बम लेके, परमाणु हथियार लेके जा सके। और हमने ये तो कई बार सुना है, आपने भी सुना होगा कि शादी ब्याह में उत्सव का माहौल है, बंदूक चलाई जा रही है जी, और गलती से कोई मर गया। हमारे एक दोस्त हैं भरावन में, उनका बेटा इसी तरह से मर गया। तो गलती से बंदूक चलने की बात तो हमने सुनी है, लेकिन आप सही कह रहे हैं, गलती से मिसाइल चल जाए ये तो शायद दुनिया में पहली बार हुआ है। हालांकि ये आपको जरूर बता दूं कि मिसाइल चलने की गलत सूचना आई, घटना हो चुकी है जी। भाई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पूरा यही मामला था कि ये सूचना आ गई कि मिसाइल चल दिया है दूसरी तरफ से, और इधर से युद्ध की तैयारी, मिसाइल चलाने की तैयारी हो गई। वो तो दुनिया का सौभाग्य कि समय रहते पता लगा लिया गया कि भाई ये गलत सूचना है। तो फॉल्स अलार्म की तो हमने घटनाएं सुनी है, और ये टेक्निकल एरर भी हो सकती है, वो टेक्निकल एरर हो सकता है, लेकिन टेक्निकल एरर से मिसाइल चल जाए ये नहीं सुना, ये तो गजब की बात है। अब आप कह रहे हैं उसमें कोई विस्फोटक पदार्थ नहीं था जी, तो आप ये बताइए कि मैं एक कट्टा या पिस्तौल लूं और मैं आपको बता दूं भाई इसमें गोली नहीं है विक्रांत, और लगा दूं आपको? नहीं, अगर पहले ना बताए, नहीं मान लीजिए कि हम बता भी दे जी और लगा दे आपके माथे पे जी, तो आपको कैसा महसूस होगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा, निश्चित रूप से पड़ेगा भाई। आप दुनिया के सामने मैं लगा रहा हूँ, आप अपमानित नहीं होंगे? अपमानित होंगे, तो डर भी लगेगा। तो ये जो है, ये तो बड़ी गैर जिम्मेदाराना चीज हुई है भारत की तरफ से। और मैं सोच रहा था कि मान लीजिए कि, क्योंकि कई बार देश परमाणु हथियार को लोड करके, जिसको वॉरहेड कहते हैं, मिसाइलें तैयार रखते हैं, कहीं ये उस तरह की कोई मिसाइल चल गई होती जो पाकिस्तान में परमाणु विस्फोट हो गया होता, तो पाकिस्तान मजबूर हो जाता कि वो हमारे ऊपर मिसाइल चलाता परमाणु बम के साथ। और आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान में मिसाइल जाने में चंद मिनटों का समय लगता है जी, मतलब ये रूस और अमेरिका के बीच की दूरी नहीं है, ये बॉर्डर सटे हुए बॉर्डर है। तो अगर गलती से भी भारत ने मिसाइल के साथ परमाणु बम भेज दिया होता, तो आप ये समझिए कि अभी तक ये पूरा दक्षिण एशिया जो है, या कम से कम भारत का उत्तर जो का भाग है, इसके सारे बड़े शहर तबाह हो गए होते, क्योंकि पाकिस्तान के पास और भारत के पास दोनों के पास परमाणु करीब करीब 50 से 100 बम हैं। इतने ही बड़े शहर हैं करीब पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर जी। तो ये पूरा तबाही का एक मंजर होता। और मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर ये मिसाइल चीन पे चली होती तो ये बिना बम के भी अगर ये मिसाइल हमने चीन पे चला दी होती गलती से जी, तो क्या चीन इस तरह से चुपचाप बैठता जिस तरह से पाकिस्तान बैठता है? नहीं, जबकि हम पाकिस्तान को ज्यादा खतरनाक दुश्मन मानते हैं, चीन तो ऐसा दुश्मन है कि वो हमारे सैनिक मारता है, उसके बाद भी हम उसके साथ व्यापार बढ़ाते जाते हैं, हमारा आयात और निर्यात चीन के साथ दोनों बढ़ा है गलवान की घटना के बाद, तो उसको तो हम
लड़ाई में दुश्मन मानते हैं लेकिन व्यापार में मित्र व्यापार मानते में हैं। मित्र मानते हैं। पाकिस्तान को तो हम लड़ाई में भी दुश्मन मानते हैं और व्यापार में व्यापार भी में दुश्मन भी, मानते हैं, उसको तो पूरा दुश्मन मानते हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, आईपीएल जो जी क्रिकेट है जिसमें जी सभी लोग एंजॉय हाँ करते हैं, उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर अलाउड नहीं है। खेल में भी दुश्मन मानते तो हैं, ये जब हमें पता खेल चला में, फिल्म खेल में। फिल्म में पहले पाकिस्तान से बहुत सारे लोग गायक, आते जी थे जी बंबई में काम करने फिल्म इंडस्ट्री में। जी अरे मेरे ही पास एक बार फोन आ गया जी कि आप हमें वहां बंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम दिला सकते हैं, जी कोई कराची से किसी लड़के ने किया। जी मैंने कहा भाई मैं लोगों के कई काम करता हूँ लेकिन ये काम मैंने आज तक नहीं किया, जी आप मुझसे महेश भट्ट का नंबर ले लीजिए, आप भाई सीधे बात कर लीजिए। जी तो ये अजीब बात है कि जो हुई घटना, और अगर ये गलती से भी अगर इसका रूप कुछ दूसरा होता, ये चीन की तरफ होती, तो आज भारत और चीन के बीच शायद एक पूरा युद्ध छिड़ गया होता, जैसे चल गया कि होता। रूस और यूक्रेन में चल रहा है। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हुआ है जो हुआ है भारत की तरफ से, और राजनाथ सिंह चाहे जितना कहें कि हमारे मिसाइल सुरक्षित हैं, जी ये सुरक्षित नहीं है। ये घटना हो गई, ये दिखाता है कि सुरक्षित नहीं है। जी और भलाई इसी में है कि आप अपने जो दुश्मन, जिनको आप बताते हैं दुनिया को बताते हैं कि दुश्मन है, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का मन करता है वो तो चले ही जाते हैं नवाज शरीफ के घर उनकी माँ को शॉल भेंट करने। तो जी ये जो दुनिया को आप बताते हैं कि हमारी दुश्मनी है, इस दुश्मनी को ख़त्म कीजिए, और ऐसे खतरनाक हथियार जो हमने रखे हुए हैं उनको इनको भी ख़त्म किया जाना चाहिए, दुनिया से परमाणु निःशस्त्रीकरण खत्म होना चाहिए। जी जो वर्तमान में युद्ध चल रहा है यूक्रेन रूस का, उसमें भारत ने अभी तक स्पष्ट भूमिका नहीं ली है। नहीं लिया है। उसको रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ में वो मतदान करने को नहीं तैयार है। तो युद्ध के खिलाफ भूमिका लीजिए, रूस को कहिए कि युद्ध बंद करे और यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े होइए जो जी इस समय पिट रहा है। बच्चों के अस्पताल पे बम डाल दिया है रूस ने, बताइए कितनी शर्मनाक कार्रवाई है। तो ये युद्ध की बातें खत्म होनी चाहिए, जी शांति और मैत्री की बातों को बढ़ावा देना चाहिए। उस दृष्टि से जो हुआ है ये बहुत ही खतरनाक है। एक और सवाल जो हमारे मन में बहुत उमड़ रहा है कि हाल फिलहाल में आरएसएस का ये कहना है, एक जाति विशेष को टारगेट करते हुए, जी। कि वो सरकारी तंत्र में अपने आप को एब्जॉर्व करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, खास करके वो मुस्लिम समुदाय के बारे में ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सरकारी तंत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो इस विषय को आप कैसे देखते देखिए ये हैं? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दोगलापन है, जी और वो मुसलमानों पे आरोप लगा रहा है कि वो सरकारी तंत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अगर प्रतिशत के हिसाब से देख लिया जाए, और इसके पूरे आंकड़े सच्चर समिति की रिपोर्ट में छपे हुए हैं जो जी प्रधानमंत्री ने बनाई थी मुसलमानों की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, तो मुसलमानों की जनसंख्या में जो प्रतिशत है जी उसकी तुलना में वो बहुत कम शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में है। नौकरियों में ज्यादातर जो गरीब मुस्लिम परिवार हैं जी वो तो कोई मेहनत मजदूरी करके ही रोजी रोटी कमा रहे हैं। आप चले जाइए सड़क पे, कोई भी आपको साइकिल बनाने वाला, मोटरसाइकिल बनाने जी वाला, जितने मिस्त्री मिलेंगे ज्यादातर मुस्लिम ज्यादातर मिलेंगे। मिलेंगे ज्यादातर मोटर गराजों में आपको मिस्त्री मुस्लिम मिलेंगे। ज्यादातर चिकन का, जरदोजी का काम करने वाले कारीगर सब मुस्लिम हैं। जी तो ये मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, इनको शिक्षा से वंचित रखा गया है। बल्कि सच्चर समिति की रिपोर्ट बताती है कि शिक्षा के मामले में मुसलमानों की स्थिति तो दलितों से भी पीछे है। तो जिस समुदाय को शिक्षा का लाभ नहीं मिला, नौकरियां तो दूर की बात है, जी उसके ऊपर इस तरह का आरोप लगाना ये बहुत घिनौनी कार्रवाई है। और उल्टे मैं ये कहूंगा कि जब ये देश की आजादी का आंदोलन चल रहा था और गांधी जी, आपको याद है, विदेशी कपड़ों की होली जला रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि नौकरियां छोड़ो अपनी, सुभाष चंद्र बोस का आईसीएस में सिलेक्शन हो गया, जी उसके बाद उन्होंने वो नौकरी नहीं की। तो जो आजादी के दीवाने थे, जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो तो अंग्रेजों की नौकरियों को लात मार रहे छोड़ थे। रहे थे जी और आरएसएस अपने लोगों को कह रहा था कि आप इस तंत्र में घुसिए, जी इस पे कब्जा कीजिए। और आरएसएस ने आजादी के पहले से ये काम किया है, जिसका नतीजा ये है कि आज आप देखेंगे कि हमारे नौकरशाही में, जी सरकारी कर्मचारी वर्ग में,
जुडिशरी में, पुलिस में, सेना में, तमाम जगहों पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आरएसएस की विचारधारा के समर्थक हैं, समर्थक है, और भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का ये एक बड़ा कारण है कि बहुत सारे लोग ऊंचे पदों पे जो बैठे हुए हैं वो उसकी विचारधारा का समर्थन करते हैं। तो जो काम आरएसएस पहले कर चुका है वो काम अब वो मुसलमानों से करने को मना कर रहा है। असल में उसे खतरा ये है कि अगर मुसलमान भी प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे तो उनका जो कब्जा है सरकारी तंत्र पे वो छूट जाएगा, वो कमजोर पड़ेगा, ये हकीकत है। अभी फिलहाल फिलहाल में हिजाब एक बार फिर से सुर्खियों में है और कर्नाटका हाईकोर्ट ने तो हिजाब जो बैन था उसको अपहोल्ड कर दिया, और यही नहीं कोट अनकोट में उसने लिखा कि नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। ये बहुत ही मैं इसको कैसे लूँ, मैं खुद नहीं समझ पा रहा, तो इस पर आपके क्या विचार हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए ऐसा है कि जो बात इन्होंने एसेंशियल प्रैक्टिस की कही जी, नॉट एसेंशियल टू इस्लाम, इस पे अगर थोड़ा गंभीरता से बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना कमजोर तर्क है। जी आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं जी, आप पता नहीं भगवान को मानते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं मानता हूं जी, लेकिन ऐसे भी हिंदू हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते। तो अगर हम ये सवाल पूछें आपसे कि क्या मंदिर में पूजा करना हिंदू होने की अनिवार्य शर्त है, नहीं, तो स्वाभाविक उत्तर है नहीं है, नहीं है। कितने सारे लोग हैं नहीं जाते जी, या घर में ही छोटा सा मंदिर बनाए हुए, हमारे घर में पहले था, अब वो भी नहीं है, हमारे पिताजी ने उसको खत्म कर दिया क्योंकि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा से जुड़ गए। तो मेरा ये सवाल है कि अगर हिंदुओं के लिए मंदिर में पूजा करना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है तो अयोध्या में जो राम मंदिर बनाने का जो कोर्ट का फैसला आया हुआ है फिर आप इसको कैसे जायज ठहराएंगे? आप कहेंगे नहीं, हिंदुओं की आस्था है कि राम वहां पैदा हुए थे तो उस आस्था का सम्मान करना चाहिए। तो अगर हिंदुओं की आस्था के आधार पे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और सबसे अपेक्षा की जाती है, मुसलमानों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो उसका सम्मान करें, उस जगह को छोड़ दें राम मंदिर बनने के लिए, जो अंत में हुआ कोर्ट के आदेश से, तो भाई हिजाब भी तो आस्था का ही मामला है ना? आस्था का ही मामला, बिल्कुल सर। हम ये मान सकते हैं कि इस्लाम में अनिवार्य नहीं होगा, लेकिन अगर किसी महिला की आस्था है कि उसे हिजाब पहनना चाहिए तो हम उसे कैसे वंचित कर सकते हैं? या शबरीमाला मंदिर में आप महावारी वाली अवधि में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर रहे हैं कोर्ट के आदेश, तो क्या ये हिंदू धर्म की प्रैक्टिस है कि बाकी मंदिरों में महावारी वाले पीरियड में महिलाएं नहीं जाती हैं? ठीक है ना, तो अगर इस ये अगर आप तर्क को देखेंगे तो ये तर्क बहुत कमजोर है और कोर्ट के अपने फैसलों में आपको अंतर्विरोध दिखाई पड़ेगा। सबरीमाला में महावारी वाली अवधि में जो महिलाएं हैं उनको मंदिर के प्रवेश से वंचित करना और हिजाब वाले मामले में ये कहना कि ये इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं है इसलिए इस पे रोक लगाना, और अयोध्या में राम मंदिर बनाने का फैसला देना, इन सारे निर्णयों में आप देखेंगे अंतर्विरोध है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका यह है कि अगर आप सिखों को आपने छूट दी है पगड़ी पहनने की, और अभी तो एक ये भी फैसला आ गया है, कोर्ट का नहीं है ये विभाग का फैसला है, कि एयरपोर्ट के अंदर सिख कर्मचारी कृपाण लेके रह सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो अगर एक सिख कृपाण लेके एक हवाई अड्डे के परिसर में रह सकता है जो कि एक हथियार है, उसके लिए आस्था का सवाल है, तो भाई हिजाब तो कृपाण से ज्यादा खतरनाक नहीं है ना? बिल्कुल सर। तो सिख कृपाण के साथ पगड़ी के साथ रह सकता है, हिंदू महिलाएं जाती होंगी कॉलेजों में पढ़ाने, वो बिंदी लगाती होंगी, मंगलसूत्र पहनती होंगी, चूड़ियां पहनती होंगी, ये सब कुछ कोई भी चीज अनिवार्य नहीं है हिंदू धर्म के पालन के लिए। तो जिस तरह से बाकी लोगों को छूट है, एक क्रिश्चियन क्रॉस पहन के जा सकता है, उसी तरह से मुस्लिम महिलाओं को भी हिजाब पहनने की छूट होनी चाहिए। जो लोग ये तर्क देते हैं कि इससे मुस्लिम महिलाओं को आजादी मिली हिजाब से,
तो भाई ये सवाल जो है ये मुस्लिम महिलाओं पे ही छोड़ना चाहिए जी कि बिल्कुल, वो हिजाब पहनना चाहती हैं कि नहीं पहनना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन धन्यवाद। आपने हमारे धर्म के बारे में पूछा तो बस एक लाइन में ये जोड़ देता हूँ, मैं हिंदू हूँ ना मुझे इस बात का गर्व है और ना मुसलमान नहीं हूँ इस बात का अफसोस है, क्योंकि मैंने बचपन में ही कहीं पढ़ा था ना जी हिंदू हूँ ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, हाँ इंसान की औलाद हैं, इंसान हाँ है भाई। बहुत और बढ़िया ये बात मेरे दिल में बहुत गहरे तक बैठ गई है और बहुत शायद बढ़िया इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मंदिर मस्जिद आता जाता भी नहीं, लेकिन जब जी दोस्त जाते हैं जी तो उनके जी साथ मैं चला भी जाता हूँ। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, चलिए धन्यवाद नमस्कार। धन्यवाद।